उतारना है। पहले आपको उंगली ऐसे यहाँ पे ऐसे रखनी है, सीधे देखना है, फिर आपको ऐसे करना है, देखो इसको भी पूरा स्ट्रेस करना है यहाँ पर ऐसे, फिर ऊपर आना है, फिर वापस उंगली वहीं पे लानी है। इसके बेनिफिट्स हैं जैसे कि आपकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको इंक्रीज करता है, और आपके जो शोल्डर जॉइंट है उसको रेंज ऑफ मोशन उसका इंक्रीज करता है। स्टैंड इरेक्ट, इनहेल स्लोली एंड रेज द आर्म अप, स्ट्रेच अप द बॉडी फ्रॉम द वेस्ट, exhale and bend forward until the entire palm rests on the ground. Maintain this posture for 5 to 10 seconds. Inhale and come up to the vertical position. Now slowly return to the starting position in reverse order. The benefits of doing Padmasana is that it increases concentration, metabolism, improves vitality, helps in nasal and throat disease. यह आसन अश्व संचालन आसन है, इसे इस तरह से किया जाता है। इस आसन के बहुत से फायदे हैं, जैसे पीठ के लिए फायदेमंद है, शरीर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और पाचन तंत्र के लिए उपयोगी। नाउ वी विल परफॉर्म चतुरंगा दंडासन। इसके लिए आपको सबसे पहले प्लैंक पोजीशन में आना है, कुछ ऐसे। Then you have to bend forward and downward simultaneously. Upwards. Leg. And then. Chaturanga Dandasana के बहुत सारे benefits होते हैं, जिनमें से कुछ है आपका core strong होता है, shoulders strong होते हैं और back पर इसका बहुत ही अच्छा effect पड़ता है। अष्टांगा नमस्कार, बेनिफिट्स ऑफ अष्टांगा नमस्कार आर इट इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी और ऑल्सो इट एनहांसेस योर लाइफ एंड बॉडी अवेयरनेस। भुजंगासन, भुजंगासन सबसे पहले आपको स्ट्रेट होकर लेटना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार। तो जब आपको इसकी कमर इसके बल स्ट्रेस करना है, जितना ऊपर उतना स्ट्रेस करना है और ऊपर साइड देखना है आसमान साइड, इसे कम से कम आपको 30 सेकंड होल्ड करके रखना है। इसके दो मेन बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले आपकी जो स्पाइन है उसको स्ट्रेंथ करता है और जो आपकी चेस्ट है और लंग्स है उसको स्ट्रेस करता है। पर्वतासन, पर्वतासन को करने के लिए पहले आपको बॉडी को स्ट्रेट रखना पड़ता है, पैरों के बीच में शोल्डर जितना गैप होना चाहिए, फिर आप अपने हाथों को आगे ले जाते हैं और बेंड होते जाते हैं तो माउंटेन पोज बन जाते हैं। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, आपकी बोन्स मजबूत होती हैं, आपका बॉडी पोस्चर भी सही होता है। पहले आपको स्ट्रेट खड़े होना है, देन आपको अपने पैरों के बीच में अपने शोल्डर जितनी गैप रखना है, आपको हाथ धीरे धीरे आगे ले जाना है और आपको पैर बिल्कुल नहीं उठाना है। मैं वज्रासन की मुद्रा में गया, इसके बाद अपने पैर को 90 डिग्री ग्राउंड पे रखा, उसके बाद दोनों हाथ के सहारे लेते हुए लेफ्ट पैर को स्ट्रेच किया और अपनी अपर बॉडी को आगे की साइड स्ट्रेच किया। अब हम करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन की पूरी स्थिति यह होती है जिसमें हमको हाथों को फुल स्ट्रेच करके पहले बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करते हुए फिर डाउन जाना है, फिर अपने हाथों की उंगलियों को अंगूठे के पैर के अंगूठे के नीचे रखनी होती है या जमीन से चिपकानी होती है और अपने सिर को बिना घुटने को मुड़े सिर को लगाना होता है घुटने से। यह होती है पादहस्तासन की पूर्ण स्थिति। पादहस्तासन से आपकी काफ मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है और अगर बैक में
रिब स्पाइनल कॉर्ड में अगर कुछ पेन होता है तो वो आपका यह आसन करने से सुधरती है। स्टेप फर्स्ट, स्टैंड स्ट्रेट एंड ब्रीथ नॉर्मली, कीप योर बॉडी इरेक्ट। स्टेप सेकंड, नाउ रेज योर हैंड्स अबव योर हेड व्हाइल ब्रीथिंग इन डीपली। स्टेप थ्री, नाउ बेंड योर ट्रंक एंड हेड अ लिटिल बैकवर्ड टू क्रिएट अ स्लाइड कर्व। रिमेंबर, डू नॉट बेंड योर नीज और एल्बो। हस्तोत्तासन, इट्स स्ट्रेच द आर्म एंड स्पाइन, हेल्प्स टू करेक्ट बॉडी पोस्चर एंड इट्स आल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस बेली फैट एंड इंप्रूव्स डाइजेशन एंड रिलीव्स स्ट्रेस। प्राणायाम आसन, द प्रेयर पोज, ये जो होती है सूर्य नमस्कार की पहली और आखिरी स्टेप होती है और सबसे आसान है। इसमें सबसे पहले अपन अपने दोनों फीट को जॉइन करते हैं, बॉडी को स्ट्रेट करते हैं, नजर सामने की तरफ, फिर हाथ को ऐसे जोड़ते हैं कि दोनों एल्बो जो है वो बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट हो। इसके बाद आंख को बंद करके एक लंबी सांस लेते हैं, देन रिलैक्स। इससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इंप्रूव होता है।